पैकड़ियाँ बनी हुई है। इन्हें घाट पे जब रानियाँ आती थी इन्हीं पैकड़ियों से उतरकर यमुना जी में स्नान करती थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि हम आ चुके हैं ब्रज घाट और अब हम लोग करेंगे नौका विहार। तो आज का जो ब्लॉग है वो पूरा ब्रज घाट का रहेगा। आप बने रहिए इन तक हमारे साथ और एंजॉय करिए। ये कंस किला के बिल्कुल बाहर यमुना जी के किनारे विश्राम घाट है। राधे राधे। मेदनापुर कोलकाता और बंगाल। अच्छा अच्छा, देखिए बंगाल से लोग आए हुए हैं। राधे राधे। काफी दूर से आप लोग कहाँ से? खड़गपुर, पश्चिम बंगाल है। ओके, तो दर्शन हो गए? तो क्या दर्शन हो रहा है? अभी वहाँ नहीं पहुँचे, जन्मस्थली नहीं पहुँचे, वहाँ हुआ है। तो कैसा फील हो रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा फील। राधे 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 राधे। ये पिछले दो घंटे से यही झूला झूल रहे हैं और कहते हैं अभी और झूलेंगे। मिल अभी बच्चा है, अभी तृप्त नहीं हुआ है मन। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कंस किला है तो यहाँ का सीन ही कुछ अलग है, बहुत मजा आ रहा है। और हमारे भाई लोग भी हमारे साथ में हैं, ये भी खूब मजे कर रहे हैं। बस कंस किला से 300 मीटर की दूरी पे विश्राम घाट है, अब वहीं पे चल रहे हैं। अब हम आ चुके हैं विश्राम घाट और विश्राम घाट पर हम लोग करेंगे नौका विहार। देखिए गाइस, अब हम लोग आ गए हैं नौका में। अब हम आ चुके हैं नौका में विश्राम घाट पे, तो अब नौका विहार करेंगे यमुना जी। और पूरा ब्लॉग आज यमुना जी का रहेगा, तो विश्राम घाट का पूरा ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो आप बने रहिए इन तक हमारे साथ। और ये हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, देखिए गाइस, ये देखिए, ये पुल के ऊपर से ये देखिए, ये यमुना जी का पुल है और पुल के ऊपर से जाती हुई ट्रेन, तो गजब का नजारा है भाई, गजब का। ये देखिए गाइस, ये यमुना जी का पुल और ऊपर से जा रही है ट्रेन। ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ यमुना जी का पुल। ये देखिए गाइस, पुल के पास जा रहे हैं अभी। और ये देखिए गाइस, पुल में बैठे हुए नीचे, अभी ऊपर से ट्रेन निकल गया। ओ माई गॉड। राधे जब वो चले आएंगे मोरारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। लोग खड़े हुए हैं पुल पर और पुल के नीचे से हम लोग गुजर रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताएगा ये ब्लॉग कैसा था। ये देखिए गाइस, क्या खूबसूरत नजारा है, बहुत सारी नौकाएं और बहुत सारी चिड़ियां जो पानी में बैठी हुई है, और जैसे कुछ खाने को मिलता है उड़ के फटाक से पहुंच जाती है वहां पे। घाट में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारे पास नमकीन जो थी चिड़ियों के डालने वाली वो समाप्त हो चुकी है, तो अभी हम लोग बीच में नाव रुका के दोबारा नमकीन लेंगे। ये विश्राम घाट है गाइस, ये वही विश्राम घाट है जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण ने कंस का वध करके विश्राम किया था, इसीलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट है। और ये बच्चे राधे राधे बोलो बेटा, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से जी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे। बहुत बन गए वीआईपी, इस कर जा रहा हूँ, ठीक है? मैं नहीं मानता। गाइस ये देखिए, ये कंस की रानी का घाट है, पूरा घाट बना हुआ है। यहाँ पे राजा जो कंस थे, कंस जी के मामा जी, उनकी जो रानियाँ थी वो यहाँ पर आती थी घाट पे नहाने के लिए। ये पूरा वही घाट है, लेकिन आज वो खंडर हो चुका है। लगभग 5,000 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, ये वहाँ पर इतनी निशानियाँ हैं जो आज खंडर के रूप में आज भी है, और हम लोग तो देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ये देखिए, ये पूरी तरह से खंडर हो चुका है ये घाट। ये देखिए कौन सा पत्थर लगा हुआ है,
जी कंस की रानी स्नान करने आती, कंस की रानी यहाँ स्नान करने आती थी और ये और सामने कंस का, वो सामने कंस का किला है। ये पैकड़ियाँ बनी हुई है, इन्हें घाट पे जब रानियाँ आती थी इन्हीं पैकड़ियों से उतरकर यमुना जी में स्नान करती थी। गाइस ये ब्लॉग यहीं तक था, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए नए ब्लॉग देखने के लिए आप इस ब्लॉग को शेयर भी कीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद।